हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो दोस्तों ये है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का, और बुक का कोड है आपका BAPS101। बुक का नाम है आपका थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसके जो हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करके मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ। और इससे पहले जो है, इसकी पहले वाली वीडियो में आपका जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका आंसर बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उसका आंसर जो है देख सकते हैं। तो उसके बाद आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उसका जो है आंसर हम करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, सॉरी, जो क्वेश्चन है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका गांधी जी के राज्य की अवधारणा पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ पे जो गांधी जी के राज्य की जो अवधारणा थी, उस पर एक लेख लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देखते हैं। और अगर आपने अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए, जो हेडिंग है सबसे पहले वो आपको डालनी है, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारधारा। तो सबसे पहले जो गांधी जी के जो राज्य संबंधी विचारधारा थे वो आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो हैं 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ से आप 20 नंबर जो है कन्फर्म ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है गांधी जी के राष्ट्रमति विचारधारा का हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें लिखना होगा, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारधारा मूलतः अराजकतावादी है। उनका मत था कि राज्य एवं राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है। यदि मानव जीवन इतना पूर्ण हो जाए कि वह स्व संचालित हो सके, तो राज्य एवं राजकीय शक्ति की समाज को कोई आवश्यकता ना रहेगी। तो उसके बाद ये आपकी जो विचारधारा थी गांधी जी की। उसके बाद जो है इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका राज्य का स्वरूप। ये हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें लिखना होगा, गांधी जी ने अपने राज्य की कल्पना राम राज्य के रूप में की थी। उनका विश्वास था कि राम राज्य में जनता की नैतिक शक्ति का प्रभुत्व होगा तथा हिंसा की व्यवस्था के रूप में राज्य का विनाश हो जाएगा। किंतु वे राज्य की शक्ति को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य नैतिक एवं दार्शनिक अराजकतावाद है, परंतु तात्कालीन लक्ष्य राज्य को अधिकाधिक पूर्णत्व की ओर ले जाना है। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखकर स्वराज्य तथा आदर्श समाज का भेद बतलाया। तो जो उन्होंने जो है जो यंग इंडिया में जो लेख लिखा था, वो लिखा था 9 मार्च 1992 को। आदर्श समाज में रेलमार्ग, अस्पताल, मशीनें, सोना, नौसेना, कानून तथा न्यायालय नहीं होंगे। परंतु उन्होंने बल देकर कहा कि स्वराज्य में ये पांचों प्रकार की चीज़ें रहेंगी। स्वराज्य में कानून तथा न्यायालयों का काम जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करना होगा। वे नौकरशाही के हाथों में उत्पीड़न का साधन ना रहेंगे। तो ये उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, वो है आपका राज्य का संगठन। तो राज्य का संगठन जब आप हेडिंग डालेंगे, तो उसमें आपको लिखना होगा, महात्मा गांधी ने अपने राज्य का संगठन पिरामिड आकार में बनाया है, जिसके अंतर्गत देश, राज्य, क्षेत्रीय स्तर, गांव तथा मोहल्ले के शासन का संगठन हो सकेगा। आज के राज्य में शासन शक्ति का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर होता है, परंतु गांधी जी के मतानुसार ऐसे राज्य में शासन की मूल इकाई गांव ही रहेगी। गांव के वयस्क स्त्री पुरुष मिलकर ग्राम पंचायत का चयन करेंगे तथा शासन करेंगे। इस पंचायत के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाएगा तथा करारोपण किया जाएगा। गांधी जी के अनुसार यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो 7 लाख गांवों में प्रत्येक गांव समृद्ध
प्रजातंत्र बन जाएगा। उस प्रजातंत्र का कोई व्यक्ति अनपढ़ अथवा बेकार ना रहेगा, बल्कि किसी न किसी काम में लगा होगा। ग्राम पंचायत के ऊपर अन्य पंचायतों का गठन किया जाएगा, जो ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपना दायित्व निभाएंगे। ऐसी पंचायतें क्षेत्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठित की जाएगी। प्रत्येक संस्था अपने से ऊपर की संस्था का नियंत्रण करेगी तथा निचली संस्था के प्रति उत्तरवादी होगी। गांधी जी का सपना था कि इसी आधार पर विश्व राज का संगठन किया जा सकेगा। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो जो अगली वीडियो होने वाली है हमारी, उसमें जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी वीडियो नहीं देखी हुई है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए तो आप उसकी मदद से जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो उस समय जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब आप अगर आप इस जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें।